फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डोरमेट डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें 7 नंबर की सिलाई चाहिए और 4 कलर की ऊन चाहिए। आप चाहे तो इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं। मैं इसे अलग अलग डिब्बियां बनाई हैं तो अलग अलग कलर लगाए हैं मैंने। 3 कलर ये लगाए हैं और एक ये बॉर्डर का ब्लैक कलर लगाया, तो 4 कलर लगाए हैं। और 7 नंबर की सिलाई ली है, उसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे डाले हैं। तो यहां से मैंने शुरू किया था, जैसे मैंने यहां से शुरू किया वैसे ही मैं यहां से आपको शुरू करके बताऊंगी। तो फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स, 2 सिलाइयां मैंने उल्टी बना ली हैं। तो 4 सिलाइयां हमें उल्टी बनानी है, तो 2 मैंने बना ली है। फिर उल्टी साइड है, उल्टी साइड में फिर हम फर्स्ट कलर से ही 2 सिलाइयां और उल्टी बना लेंगे। पूरी सिलाई हमें उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक सिलाई मैंने ये उल्टी बुन ली है, तो हमारी ये 3 सिलाइयां हो गई। पहला फंदा बिना बुने उतारा, अब बाकी सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। लास्ट के फंदे को सीधा बना देना है। सीधा बनाने से फ्रेंड्स, हमारी ये धारी जो है, ये इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। फिर उल्टी सिलाई में 4 सिलाइयां उल्टी उल्टी बना लिए फंदे डालने के बाद। अब यहाँ हमें पट्टी के 6 फंदे बनाने, तो एक फंदा बिना बुने उतारा और ये 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें यहाँ सेकंड कलर लगाना है, तो इस धागे को इधर कर देंगे। ये हमारा सेकंड कलर है, इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे उल्टे बनाए और 2 फंदे यहीं छोड़ देने हैं। और सीधी सिलाई में हर बार फ्रेंड्स, जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बुनना है। तो एक फंदा उतारा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर धागे को पीछे करना है और इस धागे को हम इस साइड ले लेंगे और इसको ऐसे क्रॉस करते हुए, ऐसे क्रॉस करके इधर से आगे ले आना है। फिर हमारे यहाँ पे गैप नहीं आता है, अगर हम क्रॉस करके नहीं लेंगे तो यहाँ पे हमारा गैप आ जाता है। और इस फंदे, इस धागे को भी ऐसे टाइट से खींच लेना है। फिर 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे उल्टे बनाए और ये लास्ट के फंदे को सीधा बुन देना है। फिर पहला फंदा उतारा, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 फंदे हमारे हर बार बनते रहेंगे। ये हमारे पट्टी के फंदे हैं, तो इन्हें हमें हर कलर से चेंज करते हुए भी ये 6 फंदे हमें बनाते जाना है। तो ये ब्लैक कलर से ही हमारे बनेंगे। अब फिर सेकंड कलर से एक फंदा बनाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, फिर 2 फंदे छोड़ेंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर धागा पीछे किया, ब्लैक कलर को आगे लाए और 6 फंदे ब्लैक कलर से बना देने। 1, 2,
तीन चार पांच छः, फिर उल्टी साइड में छह फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे, एक फंदा उतारा, ये दो तीन चार पांच छः, फिर सेकंड कलर को आगे लाना है, एक दो तीन चार पांच छः, छह फंदे बनाए, दो फंदे फिर छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। वाह जी, फिर उल्टी साइड छह फंदे हमें ब्लैक कलर से बनाने, एक ये दो तीन चार पांच छः, फिर ब्लैक कलर को हम ऐसे कर देंगे क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस करना है और ब्लैक कलर को इधर लेके क्रीम कलर से एक दो तीन चार, चार फंदे बनाए और दो फंदे यहीं छोड़ दिए। फिर सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर से हैं, तो चार फंदे हमारे क्रीम कलर से हो गए, धागा पीछे किया, ब्लैक कलर को आगे लाया और छह फंदे ब्लैक कलर से बना देने, एक दो तीन चार पांच छः। तो इस तरह हमें छह फंदे तो हमें ब्लैक कलर से बनाने ही हैं और जो भी कलर हम यहाँ लगाएंगे इधर हम उससे दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। फिर छह फंदे ब्लैक कलर के बनाने हैं, दो तीन चार पांच छः, फिर धागे को क्रॉस करा और इस धागे को आगे लाके एक दो, दो फंदे छोड़ दिए, चार फंदे बचे थे, दो फंदे छोड़ दिए, दो बचे हैं तो दो को हमने उल्टा बना लिया। फिर इन दो फंदों को उल्टा बनाएंगे और धागे को पीछे करके ब्लैक कलर को आगे लाना है और छह फंदे ब्लैक कलर से बुन देने, एक दो तीन चार पांच, और इस फंदे को सीधा बनाएंगे छह, फिर छह फंदे ब्लैक कलर से बनाने हैं, ये दो तीन चार पांच छः। अब हमारे पास दो फंदे बचे हैं तो इन्हें यहीं छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फिर ब्लैक कलर को क्रॉस करते हुए आगे लाना है और इस छह फंदे हम ब्लैक कलर से बना देंगे, एक दो तीन चार पांच और ये छह। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने छह छह फंदे तो हम ये बनाते गए और यहां से दो दो फंदे हर उल्टी सिलाई में छोड़ते हुए हमने सारे फंदे छोड़ दिए हैं, दो चार छः आठ दस बारह फंदे हमने छोड़ दिए और तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, तो हमारे पास ये अठारह फंदे हैं। तो जैसे हमने फंदे डालने के बाद फिर चार सिलाइयां उल्टी बनाई थी, तो वैसे ही चार सिलाइयां हमने उल्टी बनाने, तो एक कली तो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से दूसरी कली शुरू करते हैं, तो मैं थोड़ा दूसरी कली शुरू करके फिर आपको बताती हूँ। एक फंदा उतारा, बाकी सारे फंदे ब्लैक कलर से उल्टे बना देने, जो फंदे हमने छोड़े थे उन्हें भी ब्लैक कलर से ही बुन लेंगे। तो चार सिलाइयां ब्लैक कलर से उल्टी बना लेनी है, सिलाई को भी उल्टा बुनाइए, हमारी दूसरी सिलाई है ब्लैक कलर से।
तो ब्लैक कलर से मैंने दो सिलाइयां बना ली है, जैसे यहाँ दो चार सिलाइयां बनाई है, तो दो सिलाइयां मैं और बना लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चार सिलाइयां मैंने ये ब्लैक कलर से कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें जैसे ये कली बनाई थी, अब हमें यहाँ पहले मैंने ये कलर लगाया था, अब ये कलर लगा रही हूँ। तो ये हमारा तीसरा कलर है, पहला ब्लैक कलर है, फिर क्रीम कलर, और ये तीसरे कलर है। तो अब तीसरे कलर से हमें दूसरी डिब्बी शुरू करनी है। तो मैं थोड़ा शुरू करके फिर आपको बता देती हूँ। जैसे हमने कली बनाई थी वैसे ही यहाँ से शुरू करना है। तो जैसे मैंने यहाँ से आपको ये चार सिलाइयां बना के फिर ये शुरू करके बताया था, वैसे ही मैं यहाँ आपको शुरू करके बता देती हूँ। तो छह फंदे तो हमें ब्लैक कलर से बॉर्डर के बनाने, दो तीन चार पांच छ। अब हमें इस धागे को इधर क्रॉस करना है और इसको ऐसे नीचे से लेना है, इसके ऊपर से इधर ले लेंगे और इसे नीचे से इधर लेना है, और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस फंदे बनाए और दो फंदे यहीं छोड़ देना और यहीं से वापस मुड़ जाना है। उसे सीधी साइड से हर बार जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बनाने हैं, और दो दो फंदे हम उल्टी सिलाई में, ये छह फंदे तो हम ब्लैक कलर के बनाते रहेंगे, और यहाँ जितने फंदे हमें बनाने हैं इधर दो दो फंदे हम यहाँ तक छोड़ते जाएंगे। तो जब हमारे सारे फंदे यहाँ तक छोड़ जाएंगे फिर हमें ये चार सिलाइयाँ बनानी है, फिर हमें ये वाला कलर लगाना है। तो फ्रेंड्स ये कली मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कली भी मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली है। तो जैसे मैंने ये कली आपको बनानी बताई है वैसे ही सारी कलियाँ बनानी है। तो टोटल हमें 12 कलियाँ बनानी है। तो एक दो तीन चार पांच कलियाँ मैंने बना ली है, सात कलियाँ और बनानी है। तो जैसे ये कली बनाई है वैसे ही बाकी की कलियाँ बनानी है। तो फ्रेंड्स आप भी ये डोरमेट डिजाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।